गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास टेंथ की मैथ्स चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 3। बच्चों पहले हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं जब आप आगे के क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपका, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में -4.2, -3.-5, 3.-2 और 2.3 हैं। आपको उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक आपको इस क्रम में दिए हैं। तो हम सबसे पहले जब इसका हल करेंगे तो सबसे पहले अच्छा होगा कि हम इसका क्या बना लें, चित्र बना लें, हम इसका डायग्राम बना लें, ठीक है, इसका फिगर बना लें कि ये कैसे बनेगा, क्योंकि इससे हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आप बिना फिगर के ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब मोस्ट 50% क्वेश्चन सॉल्व तो डायग्राम बना के हो जाता है आपका। तो आप चित्र शुरू करिए इसका, आप एक चतुर्भुज बनाइए, चतुर्भुज यानी कि जिसमें क्या हो, 4 भुजाएँ और 4 कोणों। आपने खींचा एक चतुर्भुज ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी डी, एक चतुर्भुज बनाया उसको नाम दे दिया ए बी सी डी। अब मैंने क्या करना है, ए को निर्देशांक क्या मान लिए मैंने, ये वाले हैं -4.-2 है ये, ठीक है, 4.-2। बी के हैं -3.-5, सी के हैं 3.-2 और डी के हैं 2.3। तो वह आपने इनको नाम दे दिया, इनको पता ही आपको क्या मानते हैं, ए को x1 y1 हो जाएगा ये, x2 y2, उसी ढंग से ये x3 y3। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी मैं ये भी बताऊंगी, ठीक है, इनको हम नाम दे रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि हमें एक विकर्ण खींच देना है, हमें क्या खींच देना है, एक विकर्ण, चाहे आप ए सी से खींचिए, ये बी डी से कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने बी डी से खींचा, आप ए सी से भी खींच सकते हैं, कोई भी एक विकर्ण खींचना है आपको, ठीक है। जब मैंने विकर्ण खींच लिया, इसमें डायगोनल बना ली बी डी, अब आप क्या करेंगे, अभी तक हम सीख के आए हैं कि हमें क्या ज्ञात करना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप अंडरस्टूड है ये बात बच्चों, कि जब हम चतुर्भुज बना रहे हैं तो चतुर्भुज जो बना है आपका वो कितने त्रिभुज से मिलके बना है, आप देख रहे हैं इसमें एक त्रिभुज ये वाला है ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है इसमें, बी सी डी त्रिभुज है ना। तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 2 त्रिभुज हो गए, ठीक है, आपके पास 2 त्रिभुज आ गए। अब आप क्या करिए, 1/1 दोनों का क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को आपको जोड़ देना है। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, आप देखिए इसको मैंने विकर्ण इसलिए मिलाया ताकि मेरे को यहाँ से 2 त्रिभुज मिल जाएँ, क्योंकि अगर हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बैठे तो अभी तक इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ना। अगर ये ट्रेपीजियम होता तो तब तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं भाई कि ऐसे ऐसे हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फिक्स त्रिभुज नहीं है कि कैसा चतुर्भुज, हमें पता नहीं कि कैसा चतुर्भुज है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने इसके लिए विकर्ण खींची और हमें पता चल गया कि यहाँ से क्या बन गया, हमारे पास 2 त्रिभुज बन चुके हैं, ठीक है। अब मैंने इनको नाम दे दिया बच्चों, क्या नाम दिया मैंने इनको, x1 y1 ए वाले को दे दिया, x2 y2 दे दिया और इसको दे दिया मैंने x3 y3। अब देखो इस वाले त्रिभुज के लिए तो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आपको पता चल गए, उसी ढंग से इस त्रिभुज में क्या छूट गया था हमारा, ये वाला छूट गया था जब मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी ना। तो देखिए x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया, तो हम इसको क्या ले लेंगे, x1 y1 ले लेंगे, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है कि त्रिभुज ए बी डी का आप क्षेत्रफल ज्ञात करिए, त्रिभुज ए बी डी का आप क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने पहले कर चुके हैं, तो वही है बस, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 +x2 y3 - y1 +x3 y1 - y2। याद करने की भी मैंने ट्रिक्स बताई हैं पहले उसमें, जब यहाँ पे x का 1 आएगा तो यहाँ पे y का 2 और 3 आएगा, फिर जहाँ पे x का 2 आएगा तब यहाँ पे y के 2 कहीं नहीं आएगा, y का 3 और 1 आएगा। अब यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे y3 नहीं आने वाला, 1 और 2 आने वाला है, ठीक है, ये ट्रिक बताई थी याद करने की भी। आप इसमें सारी वैल्यूज रख लीजिए, x1 कौन है आपका, -4 रखा, उसी ढंग से y2 क्या है आपका, -5 एंड y3 क्या है बच्चों आपका, 3 है, तो ये आ गया -3। फिर प्लस उसी ढंग से x2 कितना है आपका, x2 देखिए आपका -3 है, फिर y3 कितना है आपका, y3 है आपका 3, फिर माइनस का माइनस, और ये y1 क्या है आपका, -2 है, तो ये माइनस माइनस का क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। प्लस x3 कितना है आपका, x3
ये है आपका थ्री, यहाँ पे आपका एक्स थ्री आपका टू, सॉरी एक्स थ्री आपका टू, और ये है फिर आपका वाई वन की जगह में आपका क्या आ जाएगा माइनस टू, एंड फिर क्या आ जाएगा आपको वाई टू की जगह में, वाई टू देखो माइनस फाइव है तो ये माइनस माइनस का ही प्लस बन गया, इसलिए मैंने इसको प्लस लिखा। आप ये नहीं कहेंगे कि प्लस कहाँ से आया, साइन कन्वर्ट करने के बाद ही मैंने लिखा है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो गया आपका फोर इंटू एट माइनस माइनस का तो प्लस में आएगा प्लस थर्टी टू, एंड ये आ जाएगा फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन, टू इंटू थ्री सिक्स। इसको सॉल्व करके आपने करा, इनको जोड़ के आ गया थर्टी एट माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री आ गया, यानी कि ट्वेंटी थ्री अपॉन टू स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई इसका क्या आ गया आपके पास क्षेत्रफल आ गया। उसी ढंग से अब हमारे पास जो दूसरा त्रिभुज बचा है वो कौन सा है आपके पास, बी सी डी बोलो या सी बी डी बोलो, सी बी डी ही बोलो सीक्वेंस से चलो, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक्स वन माना है सी बी डी। अब आप क्या करिए, इसका क्षेत्रफल सेम एज इट इज़ निकालना है, फॉर्मूला ऐसे लगाना है, ठीक है। तो आप सी बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, वही फॉर्मूला लगा फिर, हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई टू माइनस वाई वन। आप जब बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। कई बार आपको क्या होता है कि क्वेश्चन तो पता होता है कि कैसे करना है लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो जीरो हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आपको पूरा विद फॉर्मूला मेंशन करनी है चीज़ें। फिर आप इसमें रखिए सारी वैल्यूज जैसे हमने पहले उस वाले में रखी, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, आप सॉल्व करना, बार बार इतने क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, सॉल्व सारी वैल्यूज इसमें रखिए, आ जाएगा आपका 33 अपॉन 2 वर्ग इकाई। अब आपके पास दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ चुका है, तो चतुर्भुज जो बना था आपका वो दोनों त्रिभुजों से मिलकर बना था, तो जो आएगा आपके पास चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करिए आप, 23 अपॉन 2 प्लस 33 अपॉन 2 ये आ जाएगा आपके पास 56 अपॉन 2, इसका जब मैं डिवाइड करूँगी तो ये आ जाएगा आपके पास 28 वर्ग इकाई। तो यही आपके पास उस चतुर्भुज का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए बच्चों अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपका शीर्ष 0.1 2.1 और 0.3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए। देखो आपको क्या दे रखा है, कोई त्रिभुज दे रखा है आपको, उसके शीर्ष हैं आपके पास 0.0, -1 है ये 0.-1 2.1 एंड 0.3, ठीक है। ये आपके पास क्या हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, और जो इनके मध्य बिंदु, इनके मध्य बिंदु कौन होंगे, ए बी का मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा और इसका मध्य बिंदु ये होगा, ठीक, सेंटर पॉइंट। इनको हमने जब ज्वाइन किया तो इनसे भी एक त्रिभुज बना, तो जो इन त्रिभुज से बन रहा है क्षेत्र, इनसे बनने वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर इसका और उसका अनुपात, पूरे वाले त्रिभुज का अनुपात हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम माना कि हमारे पास जो त्रिभुज उसके शीर्ष क्या हैं 0.-1 2.1 और 0.3 हैं। डी ई और एफ क्रमशः जो हैं, डी ई और एफ क्या हैं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के क्या हैं, भुजाएं कौन सी, बी सी ए सी एंड ए बी के, ये क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। तो हमारे पास जो डी के निर्देशांक आएंगे, डी के भाई अब हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था, है ना, मिड पॉइंट मध्य बिंदु सूत्र पढ़ा था हमने, तो ये वाला बिंदु जो होगा क्या होगा, इसका प्लस इसका अपॉन टू, यानी कि टू इन क्या था वो मध्य बिंदु सूत्र, जो एक्स वाला आएगा वो क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और जो वाई आता आपके पास वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इसका एक्स कैसे निकलेगा, यानी कि इसका एक्स वन इसका एक्स टू को जोड़ के अपॉन टू, ठीक है, यानी कि टू अपॉन टू प्लस जीरो अपॉन टू, उसी ढंग से वन प्लस थ्री अपॉन टू, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.2। उसी ढंग से ई के निकलेंगे, इनके इसको और इसको जोड़ा अपॉन जीरो प्लस जीरो अपॉन टू प्लस थ्री प्लस माइनस वन अपॉन टू, डैट इज़ 0.1। और एफ के निर्देशांक जो आएंगे 2 प्लस 0 अपॉन टू एंड 1 प्लस, और ये क्या है, माइनस 1 अपॉन टू, यानी कि 1.0, तो ये निकल गए
अब हमने क्या करना है, इनसे दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास डी ई एफ। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वही कैसे निकलेगा, इसको हमने मान लिया है एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू, वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। बस सिंपल अब फॉर्मूला बेस्ड हो गया क्वेश्चन, हम इसका निकालिए एरिया क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आप निकालिए, वही फॉर्मूला लगेगा हाफ एक्स वन ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री, वही वाला फॉर्मूला सारा लगाया मैंने, सारी वैल्यूज इसमें रखी और ये निकल के ये आया। उसी ढंग से त्रिभुज डी ई एफ भी आपके पास छोटा सा एक त्रिभुज बना है, उसका भी आप क्षेत्रफल निकालिए। उसमें भी डी वाले को एक्स वन वाई वन मान लीजिए, ई वाले को एक्स टू वाई टू मान लीजिए और एफ वाले को एक्स थ्री वाई थ्री मान लीजिए। ठीक है, इसमें भी हमने सारे इनका सॉल्व करके ये आ गया आपके पास। और इनका अब आपको क्या निकालना है, अनुपात, जो इससे बनने वाले जो मध्य बिंदुओं को मिला के कौन सा त्रिभुज बन रहा था, छोटा वाला त्रिभुज डी ई एफ है ना, और बड़ा वाला त्रिभुज क्या था ए बी सी। इन दोनों का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो इसको सॉल्व करके, डी ई एफ को सॉल्व करके तो क्या आया आपके पास, वन आया, और ए बी सी को सॉल्व करके आया आपके पास फोर। तो वन अपॉन फोर यानी कि वन रेशियो फोर आपके पास आ गया है।